कुछ दिनों में हर किसी ने बाबा का ढाबा इसके बारे में तो बात भी की, जाना भी, सुना भी। आज मिलिए उस शख्स से जिन्होंने ये कहानी आप तक और मुझ तक पहुंचाई, हमारे तक, इस शहर में या देश में नहीं, बाहर विदेश तक। एवरीबडी इज बीन टॉकिंग अबाउट बाबा का ढाबा। गौरव वासन और वैशाली वासन दोनों मेरे साथ हैं यूट्यूब पर, ऑफकोर्स इनका चैनल, इंस्टा, फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब स्वाद ऑफिशियल, इस पेज से, इस नाम से आपको ये मिल जाएंगे। एंड गौरव ही वो हैं जिन्होंने बाबा का ढाबा हम तक पहुंचाया था, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये स्टोरी ऐसी करके आए। इनके पेज पर सिर्फ दिल्ली के अलग अलग स्ट्रीट फूड की स्टोरीज हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऐसी स्टोरीज है जहाँ पर हमारी ज़रूरत है। बाबा का ढाबा तो आपने मैंने देखी ना, इनके पेज पे आप बाकी स्टोरीज भी देखिए। गौरव, इट इज इम्प्रेसिव, हर बार ऐसी कहानी कैसे यार? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि मेरी शुरू से यही पहल रही है कि मैं इन लोगों की मदद करता हूँ जिनको हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो हर चीज के अपने मायने, अपने पहलू होते हैं। तो मैं जब भी फूड स्टोर फूड कवर करने के लिए निकलता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार कि फूड तो हम कवर करेंगे करेंगे, साथ साथ लोगों की कहानियां भी बताएंगे कि कितनी मुश्किल से वो ये काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से वो ये काम कर रहे हैं, कितनी लगन से वो ये काम कर रहे हैं, और कितनी उम्र में भी, मतलब 70-80 साल की उम्र में, मतलब एक बुजुर्ग दंपत्ति ऐसा काम कर सकती है, ऐसा खाना बना सकती है, ऐसा हौसला दे सकती है हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को। तो हम लोग क्यों इतनी जल्दी हार मान जाते हैं? हम लोग एज ए यंगस्टर जो ये सोचते हैं कि जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, सक्सेस जो है वो रातों रात नहीं आता। सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। और वो स्ट्रगल के बाद जो आपको सक्सेस मिलता है ना, उसकी खुशी ना, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ, शायद और कोई नहीं बता पाए। नहीं, मैं आप ही से पूछना चाहती थी, बल्कि मैं आपसे और वैशाली दोनों से पूछूंगी, बिकॉज अपेरेंटली आप दोनों ने ही बाबा का ढाबा ढूंढा था। तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। मैं काफी चीजें जो मैं नोटिस करती हूँ, मैं बताती रहती हूँ, दैट यू कैन गो एंड कवर दिस, तो उसको भी हेल्प मिलती है बहुत ज्यादा। तो अभी ये जो हमने ये स्टॉल है, ये हमने साथ में ही ढूंढा बेसिकली। वी वर आउट फॉर अ वॉक, तो हमने कहा यार ये कौन है बंदा, मतलब देखते हैं जाके कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम गए, तो मतलब दैट स्टोरी वाज सो टचिंग, मतलब उनको देख के वहाँ रोना आ रहा था। मतलब एट द एज ऑफ 80, मतलब वो इतनी मेहनत करे और फिर भी कमाई क्या हो रही है, 70-80 रुपए, तो इसे कैसे दिएंगे वो। एब्सोल्युटली। और ये कहानियां ढूंढना आसान नहीं है, मतलब कई लोगों को लगता है कि चलो अब हम एक स्टोरी ढूंढ के लाएंगे, दैट्स नॉट हाउ इट इज। गौरव के चैनल पर इतने सारे वीडियोस हैं और आप देखोगे उनमें मेहनत जाती है यार। शायद ही बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो मैं आज आपके थ्रू ये बात बताता हूँ कि मैं घर से 8:30-9 बजे निकलता हूँ सुबह, स्कूटी पे जाता हूँ और दिल्ली के अलग अलग कोने, फरीदाबाद, गुड़गांव, हेलमेट लगा के घूमता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि कहाँ पे मुझे कोई ऐसी कहानी मिले, या कहाँ पे मुझे कोई ऐसा स्ट्रीट फूड वेंडर मिले, कहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज मिले जिसको मैं कवर कर पाऊँ। गाड़ी पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो चीजें आप मेरे पेज पे देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक टू व्हीलर से ही पॉसिबल है, क्योंकि ये गलियों में होते हैं, ये नुकड़ों में होते हैं, ये खोपचों में होते हैं, और इनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं होता। और पैदल चलकर ऐसे ऐसे कोनों से ये स्टोरी ढूंढ के लाते हैं। कहीं पे अगर 5 रुपए की चाय है, 20 रुपए की रोटियां, हो सकता है हमारे लिए पैसे इतने मायने, 20 रुपए क्या मायना रखेगा आपके लिए, लेकिन किसी के लिए अगर आप वो एक प्लेट ले लोगे ना, उसका एक टाइम का खाना निकल सकता है। बात बड़ी छोटी लगती है, बट शायद किसी के लिए सबसे बड़ी है। एंड दैट इज़ व्हाट ही ट्राइज टू डू विद दिस पेज, यूट्यूब स्वाद ऑफिशियल, गौरव वासन का पेज, जिन्होंने आपको बाबा का ढाबा दिया। एंड स्ट्रगल फूड ब्लॉगर बनने वाली भी आसान नहीं है। लोगों को लगता है फूड ब्लॉगर मतलब अच्छी सी फोटो डाल दिखाने की, नहीं यार। मुझे आज भी याद है, इंस्टाग्राम पे मैं ऑर्गेनिक रीच लेके पिछले 4 साल से बैठा हुआ था, सिर्फ 5-7 हजार फॉलोअर्स थे मेरे, और 1000 से ज्यादा पोस्ट थे, और मैं लोगों को बोलता था यार इतने सारे फॉलोअर्स लोगों के होते हैं और मेरे 1000 से ज्यादा पोस्ट है, और इतने अच्छे, इतने हार्ट वार्मिंग, इतने हार्ट टचिंग मेरे पोस्ट है, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, लोग मुझे लाइक ही नहीं करते, लोग मेरा पोस्ट ही नहीं शेयर करते, लोग मेरे को देखते ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ ऐसा कि यार कुछ, मतलब मेरे को भी सपोर्ट मिले, लाइक मिले, थोड़े से 100 लाइक मेरे भी हो, मैं क्या करूँ। बस मतलब मैं कहते ना कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और सच बता रहा हूँ, आप जितना उस परमात्मा का शुक्र करेंगे ना, आपको उतना आपके घर में बरकत मिलेगी। ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि जो है वो बहुत है, और किसी की मदद कर सको तो जरूर करो, यही कहते हैं गौरव। पर ये बाबा का ढाबा होने के बाद आप 2-3 दिन से वहीं पर बैठे हो, कितने लोगों ने आपसे भी मुलाकात की, कुछ अजीब चीजें देखने को मिली जो सोचा भी नहीं था यार। सबसे अच्छी बात है, देखो अगर आप किसी, कोई बंदा इतना फेमस हो जाता है रातों रात, कोई बंदा इतना वायरल हो जाता है रातों रात, तो उसके लिए हेल्प हर नुक्कड़, हर कोने से आने लग जाती है। तो बड़े सारे लोग आए जो मुझे बोलते हैं, गौरव भाई मैं इनका जो ढाबा है ना उसको रेनोवेट करना चाहता हूँ, गौरव भाई मैं इनकी कैरिकेचर बनाना चाहता हूँ, गौरव भाई मैं पेंट करना चाहता हूँ, गौरव भाई मैं लाइटिंग लगाना चाहता हूँ, मैं फ्रिज लगाना चाहता हूँ, मैं
टेबल लगाना चाहता हूँ, मैं इनके लिए यहाँ पे डस्टबिन लगाना चाहता हूँ, मैं सैनिटाइज लेके खड़ा रहूंगा यहाँ पे सुबह से रात तक, मैं सैनिटाइज करता रहूंगा इनकी जगह को, ताकि कोई मेरे पास कल एक बंदा आया मुझे बोलता है भाई मैं राजस्थान से आया हूँ, आपकी वीडियो देख के आंटी और अंकल से मिलने और आपसे मिलने, और वो आया और वो रोने लग गया और मेरे को इतनी जोर से हग किया और ऐसा लगा और रोने लग गया। बंदा राजस्थान से आया है सिर्फ और सिर्फ बाबा का ढाबा देखने के लिए ऑल द वे टू दिल्ली एंड गौरव को झप्पी देने के लिए। आप गौरव और वैशाली दोनों मेरे साथ हो, कैसा लग रहा है मतलब दो दिन से, हाउ आर थिंग्स नाउ? यार यू कैन सी हाउ मच द वायरल द वीडियो वेंट और एकदम मतलब तहलका सा मच चुका है पूरे देश में, नहीं विदेश में भी। और आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पहल ने किसी की जिंदगी इतने बड़े पैमाने पे बदल दी, तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत सारी चीजें बयान करता है। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी मुझे भी नहीं पता था कि इस वीडियो को इतना प्यार मिलेगा, मुझे इतना प्यार मिलेगा, इन अंकल आंटी को इतना प्यार मिलेगा, तो ये देखिए बहुत ज्यादा खुशी होती है और बिल्कुल एक सुकून भी मिलता है कि किसी की मदद करने से देखो कितनी सारी चीजें साथ में जुड़ जाती है और कितने सारे लोगों के चेहरे पे आप खुशी ले आते हैं। एब्सोल्युटली, और यही चीज शायद बाबा के ढाबा की स्टोरी ने दिखाई कि फॉर अ चेंज हम सब सारी खटास सारी कड़वाहट छोड़कर वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट वन थिंग कि रोते हुए आदमी को कैसे वापस मुस्कुराहट दी जाए। थैंक यू गौरव, बिग झप्पी, बिग हग, कीप ब्लॉगिंग, कीप ईटिंग एंड कीप ब्रिंगिंग इन मोर स्टोरीज जहां हम भी जा सके। थैंक यू। रेडियो सिटी पर मैं हूं दिव्या।